गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं रंजीत क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथ चैनल को। तो आप इस चैनल पे न्यू भी भरे तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मैं रंजीत कुमार, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब तक बेल घंटी प्रेस नहीं करते हैं तो जब भी आपके पास नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आप बेल घंटी प्रेस करते हैं, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा कि जब अपलोड किया जाएगा वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 19 है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? सबसे पहले भारत यात्री आया था तो मैक्सनी आया था, ऑप्शन नंबर बी आया था। गुप्तकाल शासक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो चांदी में जारी किया गया था गुप्तकाल में रुपया का था। कृष्णदेवराय के समकालीन कौन था? तो कृष्णदेवराय का समकालीन जो थे से शेरशाह था, शेरशाह। किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में अमरण अनशन शुरू किया था? तो ये किए थे से मैकडोनाल्ड की कम्युनियल अवार्ड के विरोध में। नेक्स्ट देखते हैं, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन यहाँ, ये वाक्य किसका है? ये वाक्य जो आपका है सो जवाहरलाल नेहरू का है। टैग का अर्थ क्या होता है? टैग का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी शंकु वृक्ष वन। निम्नलिखित में से किसको भारत की श्रीपा राजधानी कहा जाता है? तो भारत की श्रीपा राजधानी जो कहा जाता है सो आपका ऑप्शन नंबर ए नेलूर को कहा जाता है। हिमालय में 3600 मीटर के ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्पाइन घास का स्थल। कौन तो क्या होता है? अल्पाइन घास का स्थल है, जो क्या है सो ये अफ्रीका में घास स्थल का मैदान है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घास स्थल का मैदान अल्पाइन है जो 3600 मीटर अफ्रीका में स्थित है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल है? नहीं है तो रोपण फसल नहीं है आपका 19 का नौ कड्डी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। डी नेट देखते हैं, मोल्दोवाकी की राजधानी है, मोल्दोवाकी की राजधानी कहाँ है? तो मोल्दोवाकी की राजधानी आपका है किस नेवे। प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन 1921 में किया गया था। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? तो हम इसको देख सकते हैं प्रस्तावना में। नागरिकता प्रदान करने की शर्त का फैसला निम्न से कौन सी संस्था? लेती है तो जो संस्था लेती है सो हो जाएगा आपका संसद। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद का बैठक का अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज्य से संबंधित है? तो पंचायती राज्य से संबंधित है आपका है बालवंत राय मेहता आयोग। आर्थिक किराया का अर्थ होता है, तो आर्थिक किराया का अर्थ क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो ये होता है भूमि के उपयोग के बदले खर्च किए गए धन। लाभ का गतिशील सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपका कालार्क ने। किस पंचवर्षीय योजना ने ऐसा माना कि मानव विकास ही सभी विकासात्मक प्रयास का मूल है? तो ये जो है आपका आठवीं हो जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री ने कुछ ही समय पहले नमीम ब्रह्मपुत्र के आयोजन में शिरकत की थी? तो जो शिरकत की थी सो ऑप्शन नंबर ए भूटान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक
सुवक्ता था, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुवक्ता था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है, तो आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है वो बुक का नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी गार्डनर, बाकी सब लिखी गई मालगुड़ी गेज स्वामी एंड हिज फ्रेंड गाइड ये सब लिखा गया है आर के नारायण द्वारा, बट ये जो गार्डनर नहीं लिखा गया है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो बताना है आपका भारत का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था, तो साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रथम भारत रत्न सम्मानित किया गया था, तो प्रथम भारत रत्न सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है सीवी रमन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आपका बेंगलोर में है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य बोल रहा है तो हो जाएगा आपका केरल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एफ आर एम बी एक्ट के आधार पर भारत सरकार का अपने कर्ज और जीडीपी अनुपात को 2024 से 25 तक कितना प्रतिशत नीचे लाने के लक्ष्य रखा गया है, तो ये जो रखा गया है उसको आपका 40% हो जाएगा। वर्ष 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनीस सलीम को किस भाषा के लिए सम्मानित किया गया है, थालिस समीन को आपका जो सम्मानित किया गया है उसको अंग्रेजी के लिए किया गया है। नहीं देखते हैं, शाही लीची को किस राज्य के लिए GI टैग प्रदान किया गया है, तो शाही लीची को जो GI टैग प्रदान किया गया है इसको किया गया है बिहार के लिए। धर्म गार्जियन 2018 के दो देशों के बीच का मध्य सैन्य अभ्यास का नाम है, वो देश का नाम बताना है कि धर्म गार्जियन कौन सा देश का साथ प्रथम सैन्य अभ्यास था, तो इसके बारे में बताना है, तो ये जो हो जाएगा आपका भारत और जापान था। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब भारत का पहला विश्व शिखर सम्मेलन 2018 का किस से नाम से आयोजित किया गया, तो जो आयोजित किया गया है भारत का शिखर सम्मेलन 2018 का विश्व का शिखर सम्मेलन ये किया गया है आपका मूव, क्या है मूव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है अभी कि वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है, तो उसको बताना है कि कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, तो ये हो जाएगा गुंजन पक्षी पीछे की ओर उड़ता है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, तो किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, तो अम्ल वर्षा से स्टोन जो होता है कैंसर होता है, किस कारण से अम्ल वर्षा से स्टोन कैंसर होता है। वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं, तो वायरस जो सामान्यतः बने होते हैं तो प्रोटीन न्यूक्लियेट अम्ल से बनाते हैं, प्रोटीन प्लस न्यूक्लियेट अम्ल से, ऑप्शन नंबर बी। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी, तो एड्स देने वाली वायरस की पहचान सर्वप्रथम 1981 में किया गया था। काइटिन बाही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं, तो काइटिन बाही कंकाल वाले जीव जो होते हैं सो होते हैं ऑप्शन नंबर ए कीट, क्या होते हैं कीट होते हैं। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, तो जो सिद्ध किया गया था मिलर द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिकी आधार माना जाता है, तो भौतिकी जो आधार माना जाता है जीवन का भौतिकी आधार स्वभाव का है ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव, किसका है जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है उसके बारे में बताना है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉस्कुटा। मिनी माता रोग किस कारण से होता है, चार ऑप्शन दिया हुआ बताना है, तो मिनी माता रोग होता है तो पराकरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ब्रायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किस माध्यम से होता है, तो ब्रायोफिल्म में किस माध्यम से होता है उसके बारे में बताना है, तो हम लोग देखते हैं ब्रायोफिल्म के बारे में किस माध्यम से होता है, तो ये होता है पत्तक द्वारा, किसका द्वारा होता है ब्रायोफिल्म पत्तक के द्वारा होता है। कृष्णिका
विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है सो हो जाएगा आपका बी, तापमान बढ़ने पर घट जाता है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। हम लोग देखते हैं झारखंड से संबंधित, क्या देखेंगे झारखंड से संबंधित देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध का वन जीव अभयारण्य स्थित है? तो ये जो आपका है सो झारखंड का जिला जो है सो हो जाएगा कोडरमा, कहाँ है कोडरमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रांची गुमला लोहरदगा सिमडेगा संथाल परगना के क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाती है? तो इसमें जो वन पाए जाती है सो आपका है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड में किस क्षेत्र में होता है? तो नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होता है सिंहभूम में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आलू उत्पादन में झारखंड कौन सा जिला अग्रणी है, मतलब सबसे ज़्यादा आलू कौन पैदा करता है? तो जो पैदा करता है सो हो जाएगा हजारीबाग। दामोदर घाटी मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दामोदर घाटी मुख्य रूप से जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है आपका, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है, बताना है आपको, चार ऑप्शन दिया हुआ है तो ये बताना, लाल मिट्टी पाई जाती है। केला घाघ जलप्रपात झारखंड किस जिले में स्थित है? तो केला घाघ जलप्रपात जो आपका है तो झारखंड का सिमडेगा में है। निम्नलिखित में कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना सम्मिलित नहीं है? दामोदर घाटी परियोजना सम्मिलित नहीं, मेढक बांध नहीं है। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो गुमानी नदी जो निकलती है सो बी, इसका राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा परमंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा परमंडल जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से है सो हो जाएगा आपका क्या, तो छोटे छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड के कुकुट और कुकुट देश कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का क्षेत्र किसने दिया, किसे दिया जाता है? झारखंड के वैष्णव मत के प्रचार का क्षेत्र किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जो 101 का डी, चैतन्य महाप्रभु। निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गोरिल्ला युद्ध है था? तो गोरिल्ला युद्ध जो था ऑप्शन नंबर बी, तिलका विद्रोह। चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो भूखन सिंह को जो फांसी दी गई थी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1802 में। सिन्य राय बिंद राय तथा सुरगा का संबंध किस विद्रोह से? सिंध राय बिंद राय का और सुरगा का, इसका जो संबंध है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल विद्रोह से, कोल विद्रोह से। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ के जेल में हुई थी? तो रांची के जेल में हुई थी, याद रखिएगा। कहाँ के जेल में हुई थी? तो रांची के जेल में हुई थी। 1913 ईस्वी में गिरिडीह के खंभे पर अवर स्वाधीनता भारतीय शिक्षा के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो ये जो चिपकाए थे अवर संविधान भारत शीर्ष के पर्चे चिपकाए थे जो उसका नाम था निर्मल चंद्र बनर्जी। भारत छोड़ो आंदोलन में नदिया हाई स्कूल के छात्र स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नदिया हाई स्कूल कहाँ स्थित है? नदिया हाई स्कूल जो स्थित है सो आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोहरदगा में है। कहाँ है? लोहरदगा। झारखंड की धरती पर कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था सो रामगढ़ में हुआ था। संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू शाब्दिक का अर्थ क्या है? तो कुकमू शाब्दिक का अर्थ जो है सो आपका हो जाएगा स्वप्न। मुंडारी भाषा के प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम क्या था? तो मुंडारी भाषा के प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम था मुंडारी ग्रामर, मुंडारी ग्रामर। नेक्स्ट देखते हैं लोग, कैथा शिव मंदिर झारखंड किस जिले में स्थित है? तो कैथा शिव मंदिर झारखंड का जिले में जो स्थित है सो हो जाएगा आपका बी, रामगढ़। संथाल परगना में नागाड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो नागाड़ा को एक अन्य नाम से जाना जाता है टामक। झारखंड के किस स्थान पर गार्डेनाडीज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है? तेज अवस्थित है आपका सो ए, धुरवा रांची में।
भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीकी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये जो लागू करने वाला है सो ऑप्शन नंबर बी झारखंड हो जाएगा। झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान पर हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है? तो जो हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है सो किया गया है सी रांची में। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? तो रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड का क्या आता है सो गिरिडीह कोडरमा में किया जाता है। किस में किया जाता है? गिरिडीह कोडरमा में। झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लोहे अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद है? तो ये जो है आपका सो ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम। मुख्यमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब हुई थी? तो मुख्यमंत्री जन धन योजना घोषणा जो हुई थी से 15 नवंबर को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुई थी? तो झारखंड में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था सो हुआ था रांची विश्वविद्यालय। झारखंड में प्रथम संथाली फिल्म का नाम क्या था? तो झारखंड संथाली फिल्म का प्रथम नाम था जो उसका मुख्य बाहा। तो गाइज अगर आप न्यू व्यूअर तो आप सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।